I'm Pravya and welcome to my channel. So today I'm gonna show you my homework study routine. So basically, मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में कि कैसे मैं अपने स्टडी सेशंस करती हूँ, हाउ आई से प्रोडक्टिव, ऑर्गेनाइज एंड बेसिकली ऑल दिस मीन्स कि कैसे मैं अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट कर पाती हूँ. सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सो टू शो सम लव, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. चलो फटाफट मैं आपको अपना स्टडी होमवर्क रूटीन दिखाती हूँ. मेरी ऑनलाइन क्लासेस ना 12 o'clock ओवर हो जाती हैं, उसके बाद 12 to 1 जो भी मेरा मन करता है ना मैं वो करती हूँ. लाइक मैं रेस्ट करती हूँ, दूसरों के साथ खेलती हूँ, जो मेरा मन करता है मैं वो करती हूँ. फिर 1 o'clock से मैं बैठ जाती हूँ एकदम सीरियस वाली पढ़ाई पे. बट आई मेक श्योर कि पढ़ाई पे बैठने से पहले मैं कुछ हेल्दी स्नैक्स खा लूँ. लाइक जनरली मैं आफ्टरनून में ना फ्रूट्स खाती हूँ, और ये जो वाटर बॉटल है ना ये हमेशा मेरे साथ स्टडी टेबल पे रहती ही रहती है, ताकि बीच बीच में ना उठ के मुझे किचन में पानी ना लेने जाना पड़े और डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी ना हो. फर्स्ट आई टेक माय बुलेट जर्नल. जैसे आपने मेरा अक्टूबर बुलेट जर्नल वीडियो देखा ही है, मैंने उसमें अलग से एक होमवर्क का सेक्शन बनाया है जिसमें मैं अपना सारा होमवर्क नोट डाउन कर लेती हूँ. ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस जो भी मैम होमवर्क बोलती है वो यहाँ मैं नोट डाउन कर लेती हूँ. फिर जब 12 o'clock पे मेरी ऑनलाइन क्लासेस फिनिश हो जाती हैं, मैं मम्मा का मोबाइल फ़ोन लेके चेक कर लेती हूँ ग्रुप में कि जो भी एक्स्ट्रा मैम ने होमवर्क दिया होता है वो भी यहाँ नोट डाउन कर लेती हूँ. एक जगह जब सारे के सारे होमवर्क्स लिखे होते हैं ना तो हम ऑर्गेनाइज रहते हैं, हमको कोई टेंशन नहीं होती. और ऐसा भी नहीं होता कि लाइक हमारा ना कोई होमवर्क रह जाए, हम उसको भूल जाएँ, क्योंकि सारे हमने होमवर्क्स तो नोट डाउन कर दिए. और फिर हमको ना ये भी पता रहता है कि इस दिन में हमको इतने होमवर्क्स फिनिश करने ही करने हैं. सो दिस होमवर्क प्लानर हेल्प्स मी अ लॉट. अच्छा एक और बात बताओ आप लोग मुझे, आप लोग इतना सारा होमवर्क देख के रेस्टलेस हो जाते हो? मैं पहले होती थी, पर उसका भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है. द बेस्ट सॉल्यूशन इज टू राइट टाइम अगेंस्ट ईच होमवर्क कि हमें उस होमवर्क में कितना टाइम लगेगा. मुझे हिंदी का होमवर्क करने में 10 minutes लगेंगे, मैथ्स का करने में 15 minutes, और फिर बाकी तो होमवर्क्स का करने में 30 minutes. हिंदी और मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट करने में मुझे बहुत कम टाइम लगने वाला है, इसलिए सबसे पहले मैं वो कंप्लीट कर लूँगी. फिर जब कंप्लीट हो जाएगा ना मैं उनके सामने टिक लगा दूँगी. फिर मुझे ऐसे लगेगा वाह 4 में से 2 होमवर्क्स तो हो भी गए, बस 2 ही बचे हैं, वाह. इससे ना आप मोटिवेटेड भी होते हो. और मैं अपनी स्टडी टेबल पे अननेसेसरी चीज़ें नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे ना स्पेस चाहिए होती है अपनी बुक्स, नोटबुक्स और स्टेशनरी रखने के लिए. तो मैं ये भी नहीं करती कि मैं सारी बुक्स नोटबुक्स सब पूरा फुल कर लूँ ऐसी टेबल. लाइक सपोज पहले मुझे हिंदी का होमवर्क करना है तो मैं सिर्फ हिंदी की बुक ही लाऊंगी उस टाइम, ताकि मैं एकदम डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ इतनी सारी बुक्स से. फिर मैथ्स का लाऊंगी. लाइक दैट बेसिकली मीन्स कि जिस सब्जेक्ट मुझे वो पढ़ना है ना उस वक्त मैं उसकी ही बुक लाऊंगी, तब मैं पूरी टेबल नहीं भर लूँगी बुक से. 1 to 2 पढ़ाई के बाद मेरा सेकेंड स्टडी सेशन होता है 4 to 5. इसमें सबसे पहले जो भी 1 to 2 मैं नहीं कर पाई ना होमवर्क वो मैं फटाफट फिनिश कर लेती हूँ. उसके बाद दिस टाइम लाइक दिस 1 hour इज बेसिकली फॉर रिविजन. लाइक जो भी मैम ने आज स्कूल में करवाया है वो मैं रिविजन कर लेती हूँ उसका पूरा, और अगर कोई क्लास टेस्ट है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज
कि जो भी मैम ने क्लास में करवाया है उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आया, कुछ डाउट है, तो मैं ना पेपर पे वो क्वेश्चंस लिख लेती हूँ अपनी, ताकि जब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे उसका पीरियड होगा सब्जेक्ट का, तो मैं मैम से अपने डाउट्स क्लियर कर लूँगी। वरना जब अगर उस सब्जेक्ट का कभी एग्ज़ाम आए उस चैप्टर का, तो मैं कन्फ्यूजन में रहूँगी एकदम, और मुझे वो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। 5 to 5:30 मैंने ब्लड स्टडी सेशन है सिर्फ मैथ्स के लिए रखा है, क्योंकि मैथ्स एकदम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप उसको कभी लर्न नहीं कर सकते हो। रट्टाफिकेशन, यू नीड टू सॉल्व सम्स ओनली, देन यू विल ओनली लर्न। सो ये वाला जो हाफ एन आवर है ना, इसमें मैं सम सॉल्व करती हूँ, मेथड्स और ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये सब लर्न करती हूँ उसमें। सो फॉर हाफ एन आवर आई ओनली प्रैक्टिस मैथ्स। रात को मैंने अपना हाफ एन आवर रखा हुआ है रीडिंग के लिए, क्योंकि रीडिंग एक ऐसी चीज़ है वो आपकी पूरी ओवरऑल लैंग्वेज इम्प्रूव कर देती है। इट इम्प्रूव द वोकैबुलरी और आपको न्यू वर्ड्स आते हैं, यू लर्न टू फ्रेम सेंटेंसेस, और तो फिर आप लोग भी एक रीडिंग की हैबिट डाल लो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, और आज की वीडियो में आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि जो मैंने आपको टिप्स बताई है ना, उनमें से आपको एक टिप कौन सी लगी जो सबसे हेल्पफुल आपके लिए होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। और ये भी बताना कि जब आप होमवर्क करते हो तो आप कैसे प्रोडक्टिव और ऑर्गेनाइज रहते हो। तो चलो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Bye!